हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं बनाऊंगी जी बनाना केक। तो मिक्स ड्राई फ्रूट डालेंगे, जो आपके पास घर में मौजूद हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा, 1 कप, आधा कप बेकिंग सोडा है ये 1/2 टीस्पून है, बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, ये जी बेकिंग पाउडर है। तो चॉकलेट बनाना केक है, इसमें मैं कोको पाउडर भी डालूंगी, कोको पाउडर जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। चॉकलेट बनाना केक है, बहुत मज़े का ये केक बनता है, ज़रूर आप भी रेसिपी इसको ट्राई किया करें। छान लेंगे, इसमें डालूंगी जी 2 खाने के चम्मच हैं काली वाली किशमिश है, आप जो भी आपके पास घर में मौजूद हो आप वो डाल सकते हैं। 5-6 मैंने खजूर ले लिए थे, उनको इस तरह से छोटा छोटा काट लिया। इसी तरह मैंने अखरोट भी ले लिए हैं, ये भी 2 टेबलस्पून है। सब चीज़ों को 2-2 टेबलस्पून हम डाल देंगे। इस तरह मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके सारे केक में ये सारी चीज़ें, ये सारा ड्राई फ्रूट जो होता है आ जाता है। ये केक मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनकी फरमाइश पे ही बन रहा है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल एक घर के कप से, इस कप से मैंने 1 कप चीनी ली थी और मैंने ये इसमें डाल दी है, इसे हम पाउडर करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 अदद केले ले लिए हैं, साइज़ में बड़े हों तो 4 भी काफ़ी होंगे, अगर छोटे हों तो 5-6 भी हो सकते हैं, तो मैंने 5 ले लिए हैं। मैश करेंगे, तो जी इसमें जो हमने चीनी पीसी है वो डालेंगे। चीनी को हम पीस ही रहे थे तो लाइट चली गई। इसमें साथ ही 2 अंडे डालेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे, 1/2 कप ऑयल डालेंगे। अगर आपने मक्खन लेना है तो मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल डालूंगी। ये मैंने ऑयल डाल दिया 1/2 कप। अब हम इसे बीट करेंगे। तो जी अंडे चीनी को हमने बीट कर लिया है ऑयल के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे मैश किए हुए बनाना। तो जी 1/4 कप हमने पानी इसमें डाल दिया है, दूध भी डाल सकते हैं। दूध अभी मेरे पास ठंडा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा कि बस इतना गर्म करूँगी तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला। पैन को हमने ग्रीस करके रखा हुआ था। बैटर को सारा अच्छी तरह से आपने निकाल लेना है स्पेचुलर से, स्पेचुलर भी दोनों ख़राब हो चुके हैं। तो जी बाप बेटा और रूल कुदस के नाम से। तो जब आप बेकिंग स्टार्ट करें तो इससे पहले ही आपने ओवन को रीहीट करना है। बनाना केक बनके तैयार हो चुका है, चॉकलेट बनाना केक जो हमने मिक्स ड्राई फ्रूट के साथ बनाया है। आप ड्राई फ्रूट के बग़ैर भी बना सकते हैं, उसके बग़ैर भी बहुत अच्छा केक बनता है। इसे आप चाय कॉफ़ी के साथ बनाएं, बनाकर सर्व करें। तो मैं इसे काट के आपको दिखाती हूँ। इस महंगाई के दौर में आप कम पैसों में अपने घर पर ही इतनी अच्छी चीज़ें बना के बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट केक हमारा बना है, देखें गर्मा गर्म। ये
यकीन करें जब आप ये घर में बनाएंगे आपके घर वाले ज़रूर आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। तो जी इसको बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिलीज़ में, अपने घरों में। खुदा आपको हलाल रिस्क नसीब करे, आमीन। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ कि फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।